सबके घरों तक, दिलों तक, दिमाग तक, जहन तक पहुंचे, हमारी भी यही मंशा है। प्रोड्यूसर साहब को बहुत माल आया, बहुत पैसा आया, दोबारा से फिल्म बनाए, यही सारी इच्छा है। कौन सी फिल्म का नाम, टाइटल क्या है? हमारी फिल्म का नाम है रियल इंडियन मदर, और एक ऐसी पारिवारिक फिल्म है जिसके अंदर मसाला है, ड्रामा है, इमोशंस है, गाने हैं, लोकेशंस है, हर वो चीज़ जो आंखों को पसंद आती है सिनेमा देखते समय, वो सारी चीज़ें इस सिनेमा में दिखेगी, चाहे वो संगीत हो, एक्शन हो, इमोशन हो, सब। आप किरदार की बात करें। मेरे किरदार की बात ऐसी है कि वो एक ऐसा लड़का है जो बड़ा पढ़ाकू टाइप, सीधा साधा सा अच्छा सा लड़का है, जो स्वाभाविक तौर पर हीरोइन से प्यार करता है, हीरोइन भी उससे प्यार करती है, हीरोइन कुछ जिम्मेदारियों में घिरी पड़ी हुई है, बाकी कहानी में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न है वो देखने के बाद पता चलेगा। आप किरदार की बात करें, कहीं ना कहीं कॉमेडी से जुड़े हैं, आखिर खान महीने का चल रहा है। इसमें मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं एक गंभीर लड़का है और किस तरह से बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, रानी लड़ रही है, उसकी माँ लड़ रही है, उनका साथ देता है, एक ऐसा लड़का है। हमारे साथ में हमारी हीरोइन है रानी चटर्जी, और विलन के रूप में श्री संजय पांडे जी हैं हमारे बड़े भाई, एक बहुत अच्छी कास्ट है, ललन जी हैं, सब बड़े बड़े वरिष्ठ जितने भी भोजपुरी मीडिया में बड़े लोग हैं, सब इसके अंदर काम कर रहे हैं। सर, बात क्या करते हैं कि ऑफिस को ओपनिंग किया है और उनके साथ साथ हमारे तरफ से कंठस्थ होकर के, हृदयस्थ होकर के ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि इस तरीके से 8-10 ऑफिस और खोल दें, साल भर में खूब माल छापें, खूब सारी फिल्में बनाएं, लोगों को एंटरटेन करें, यही शुभकामनाएं हैं। कितना सहयोग रहेगा आपका? हमारा सहयोग जितना ये देंगे उतना हम ले लेंगे सहयोग इनसे। कितना देंगे, कितना सहयोग? 100 में से 100 देंगे, अपनी तरफ से 100 में से 100 देंगे। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से यही कहेंगे कि हमारा सिनेमा देखें और कमी बेसी जो भी हो उसको सराहें, हमें पसंद करें और हृदय में स्थान दें। हाँ सर, बात करें आज आपके ऑफिस का ओपनिंग हो रहा है, तो आपका नाम और आज आपके ऑफिस का ओपनिंग क्या करेंगे? हाँ, मेरा नाम रत्नेश यादव है, फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, बाकी अदर हमारे एक्टिविटीज हैं काफ़ी, और आज ऑफिस का ओपनिंग ये था कि हम पहले मीरा और दहीसर से ऑफिस गवर्निंग कर रहे थे, हमने सोचा कि फिल्म का बहुत सारा काम मुंबई के अंधेरी साइड में होता है तो हमें आने जाने में प्रॉब्लम होता था, इसलिए हमने यहाँ पे ऑफिस ओपन किया। और फिल्म के बारे में कहूँगा कि राइस फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर पर जो पहली फिल्म बनी थी रियल इंडियन मदर, उसको हम लोग अप्रैल में रिलीज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छे पैमाने पर। उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे दर्शकों को कहना कि ये फिल्म साफ सुथरी है, जो कि पारिवारिक फिल्म के साथ साथ सबसे बड़ा मैसेज ये है इस फिल्म में कि लेडीज ओरिएंटल पहली फिल्म भारत में भोजपुरी में बनी है, और पूरे फैमिली के साथ, पूरे महिला बच्चों के साथ इस फिल्म को आप दर्शक देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अब और नई फिल्म का, नए ऑफिस के साथ साथ नई फिल्म का भी अनाउंस कर रहे हैं। जब मैं पहली बार फिल्म बनाया था तो अनाउंसमेंट मेरा पहली बार जब हुआ था तो मैंने एक वर्ड बोला था कि मैं 5 फिल्में करूँगा भोजपुरी की, ये दूसरी कड़ी है। पहली बार काफ़ी जो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं उसको देखते हुए अभी मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है, और आगे भगवान आप लोगों के दर्शकों की अगर इच्छा रहेगी तो ऐसे कंटिन्यू फिल्में हम करते रहेंगे। बात करें सर, रियल इंडियन मदर की जो रिलीज है उसमें जो हीरो हमारी हीरोइन रानी चटर्जी हैं और उनके हीरो मनमोहन तिवारी जी हैं, जिन्होंने अभी काफ़ी अच्छा फिल्म के बारे में कहा, और रानी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में रानी ने काम किया है, आपने देखा होगा, लेकिन ये फिल्म में कुछ उसने अलग सा किरदार किया है जो कि इसमें डबल रोल है रानी का, और फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और ये दर्शक जब देखेंगे तो फिर उनको महसूस होगा। तो फिल्म को लेकर के जो आगे तो फिल्म के नया अनाउंसमेंट है उसके लेकर के दर्शकों से बताएंगे और आने वाली फिल्म के लिए क्या कहेंगे अभी से? ये हमारी जो नई फिल्म है उसका नाम कह सकते हैं कि हीरो वो जो हीरोइन लेके जाए, यानी इसको अगर हिंदी में हम बताएं हीरो वही होता है जो हीरोइन को लेके जाता है, और काफ़ी अच्छा टाइटल है, टाइटल पर काफ़ी लोगों ने मेहनत किया हमारे ग्रुप के लोगों ने, और ये कह सकते हैं इस फिल्म में मैं एक नया हीरो लॉन्च कर रहे हैं,
जो कि भोजपुरी जगत का काफ़ी बड़ा सिंगर है, बिहार में काफ़ी उनके कह सकते हैं कि लोग उनको जानते हैं एज ए सिंगर। उसमें रानी जी मेन भूमिका में और बहुत सारे सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं जो हमारे पुरानी फिल्म में रेल में मैंने बहुत सारे जो आर्टिस्ट काम किए हैं उसमें भी ये सारे हैं। कुछ लोगों को डाउट बीच में था, पूछ रहे थे, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा तो सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि पिछले फिल्म में हमने जिन लोगों के साथ काम किया बहुत अच्छा हमें अनुभव रहा, लोगों का सपोर्ट का साथ का। मनमोहन जी जैसा कहा भी कि मेरा पूरा सहयोग है, लेता हूँ देता नहीं, मैं जानता हूँ सहयोग मनमोहन लेता नहीं देता है। एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमने एक फिल्म पूरी कंप्लीट की है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो आई होप कि आप सबकी विशेज और सबका आशीर्वाद रहा तो हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। और इस तरह की फिल्में जो हैं मदर इंडिया, रियल इंडियन मदर टाइप की फिल्में बहुत कम भोजपुरी में बनती हैं, जो इमोशनल ड्रामा हो और साथ ही साथ कुछ मैसेज देने वाली हों, तो आई होप कि हमारी इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे। आपका किरदार की अगर बात करें तो फिल्म में एक हकी किरदार रहता है, इसमें अगर बात करें किरदार में काफ़ी जो लुक है मदर इंडिया से लिया गया है, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट लिया गया है। जी एक्चुअली लोगों को ना पोस्टर देखकर मदर इंडिया याद आएगी, बट मदर इंडिया बहुत ही अपने लेवल पे बहुत बड़ी फिल्म है, उसके मुकाबले मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमने उस तरह की लेवल किया उस जैसी फिल्म बनाई है। हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश की है कि हमने एक बहुत खूबसूरत फिल्म जो हमारी धरती की खुशबू जिस फिल्म से मिले, जो गाँव गाँव में जो आज चीज़ें हो रही हैं, जो रियलिटी हो रही है, उस पर बेस्ड एक सब्जेक्ट बनाया है। और मेरा जो किरदार है वो जो गाँव की हाउसवाइफ का होता है, जो जिसका रोज़ रूटीन रोज़ाना होता है कि पति खेत पे चला गया, उसके लिए रोटी सब्जी बनाया और सर पे लेके निकल जाए तो खिलाने के लिए, उस टाइप का टिपिकल किरदार है। और उस वही लेडी किस तरह से आगे अपने बच्चों को पालती है और अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए किस तरह से किस हद तक लड़ाई करती है, उस पर ही मेरा किरदार है। मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, थोड़ा नहीं बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने दो तीन शेड्स निभाए हैं इसमें, यंग भी हूँ, ओल्ड भी हूँ, फिर मैं बेटी का भी किरदार कर रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट सब्जेक्ट से और डायरेक्टर के सपोर्ट से, कैमरामैन के सपोर्ट से काफ़ी अच्छा हुआ। आई होप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। एक फिल्म का टाइटल अगर लेके चलते हैं तो आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल होता है टाइटल में, मतलब आपने बोला कि इंडियन मदर, कहीं ना कहीं मदर इंडिया की छाप लेकर हर चीज़ बड़े ध्यान से रखनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि लोग आई नो कि पब्लिक से लेकर हर कोई एक बार ज़रूर सोचेगा कि रियल इंडियन मदर कहीं मदर इंडिया तो नहीं, बट मदर इंडिया आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी लेवल की फिल्म है, नरगिस जी ने उसमें परफॉर्मेंस दी है, तो मैं सोच भी नहीं सकती, वो बहुत बड़े कलाकार की फिल्म थी, उस फिल्म ने ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं इंडिया में जो उतनी तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ भोजपुरी सिनेमा में रियल मदर इंडिया ज़रूर झंडे गाड़े। बिल्कुल देखी है मैंने, डबिंग की है, गाने बहुत अच्छे हैं, आप इसको सिर्फ एक पोस्टर से ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये शायद इसमें बहुत रोना धोना होगा, है इमोशनल ड्रामा है, बट इमोशनल ड्रामा के साथ साथ पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है जिसमें लोग आएंगे, डांस भी करेंगे और एक मैसेज भी मिलेगा एंड में। आई होप कि मेरे करियर में कुछ टर्निंग पॉइंट लाए, लोग कहें कि हाँ रानी इस तरह का भी किरदार कर सकती है, कभी लोगों ने मुझे ओल्ड में अब तक नहीं देखा है, आई होप कि मैंने किया हो ठीक से। इसमें मेरे अपोजिट मनमोहन तिवारी जी हैं, ही इज़ ए वेरी ग्रेट एक्टर, उन्होंने उनका जितना भी रोल है फिल्म में बहुत ही अच्छा है, बहुत अहम रोल है। और मेरे साथ साथ इसमें संजय पांडे जी हैं, देव हैं, जो विलन में हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया, संजय पांडे जी तो करते ही बहुत अच्छा काम करते हैं,
और जो भी मेकर्स ने डायरेक्टर से लेके कैमरामैन कोरियोग्राफर एक्शन मास्टर सबने बहुत मेहनत की है। आई होप कि लोगों की मेहनत रंग लाए। देखिए बॉलीवुड्स के ऑफर आते रहते हैं बट आई होप कि मुझे लगता है कि मैं अगर करूं तो मैं कुछ ऐसा रोल करूं जिसे लोग कहें कि हाँ रानी गई, रानी ने किया तो कुछ अच्छा किया, नहीं कि कुछ दो तीन सीन करके मैं आ गई, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सीरियल्स के तो ऑफ़र आते ही रहते हैं। अभी मैंने लास्ट जी टी वी का एक सीरियल मुझे ऑफ़र हुआ था सर्विस वाली बहू, बट मुझे लगा कि वो रोल मुझे नहीं करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। आई होप कि आज से 6-7 साल बाद अगर मुझे लगे कि हाँ भाई चलो अब सिर्फ एक एक्टिंग का शौक पूरा करना है तो डेफिनेटली मैं करूँगी सीरियल, बट मैं वेट कर रही हूँ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स का। और एक दो आइटम नंबर्स की बात हो रही है तो आई होप कहीं फाइनल होगा। अभी मेरी आने वाली प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी किसी का भी टाइटल फाइनल नहीं है, लेकिन सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सब बड़े बैनर के हैं और जो हमारे हीरो हैं उनके साथ हैं, तो आई होप कि कुछ टाइटल फाइनल हो तो मैं अनाउंस करूँ। ऑफकोर्स कभी लगता है कि जैसे अगर मैंने अब तक कोई भी हिंदी प्रोजेक्ट जो हिंदी फिल्म्स ऑफर होते हैं मैंने इसलिए इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं किसी बॉलीवुड के पर्दे पर मैं आऊँ तो मेरे साथ कोई सुपरस्टार हो या लाइक सलमान खान, लाइक रणबीर कपूर, या अगर उनसे थोड़ा सा कम हो तो नहीं, उनसे कम कभी सोचा ही नहीं, तो इनकी बैनर्स की फिल्में हों तब मैं बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के कि चलो अब जाना है, अब तो करना है, ऐसा वाला होगा। थैंक्स। मैं तो यही है ना लिखा हुआ, तो हम लोग मेन ना है। अरे भाई अरे बोर्ड की बात कर रहा हूँ यार मैं। महिला फर्स्ट भैया, चलो रेडी रेडी एक मिनट ऐसे बोर्ड रखना, एक मिनट ऐसे रखो पहले, ऐसे रखो पहले, एक मिनट फोटो आने दो पहले बाद में। हाँ या वो तो भारी हो रहा था। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ललन सिंह है। इसी किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है इसमें? मैं कन्हैया लाल टाइप का रोल किया हूँ, इसमें मुखिया का रोल है मेरा। मैं जो है गांव में मुखिया जो है बहुत कमीना आदमी है, वही रेप उप करता है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। लाइक जीवन का किरदार है कन्हैया, जीवन साहब थे ना उसी टाइप का करेक्टर है, जिसमें मदर इंडिया में थे ना कन्हैया लाल साहब उसी टाइप का करेक्टर है। इसमें मुखिया का रोल, मैंने मुखिया का किरदार का नाम मुखिया रख दिया, तो गांव का मुखिया है। सब लोग बाहर आती है, सब लोग डूब जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, खाली मुखिया बच जाती है और वो मेन जो रानी है वो बच जाती है। उसको अनाज देने के लिए ले जाता है, फिर उड़े खूब करता है, उसके बाद फिर उसका कितनी तैयारी की थी अपने किरदार के लिए जी? कितनी फिल्म कितनी बार देखी आपने इसके किरदार के लिए? क्या नहीं 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 मैं तो काफ़ी सालों से इसी लाइन में हूँ, 25 सालों से काम कर रहा हूँ, हिंदी भी काफ़ी किया, सीरियल भी किया,
मैं तो एलिक के ग्रुप में। क्या उम्मीदी है इस फिल्म से आप? ये फिल्म अलग हट की फिल्म है, ये फिल्म जो है बहुत बड़ी हिट होगी, क्योंकि पहली बार जो है ये फिल्म जो है एक लेडीज ओरिएंटल फिल्म बनी है और हट के ट्रैक पर फिल्म बनी है। इसके गाने आने बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन गाना है।